अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी को रावण कहा है। भिलाई में शुक्रवार को आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अलका ने कहा कि पीएम मोदी राम का नाम लेकर रावण का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम खुद को राम भक्त कहते हैं, लेकिन भगवान राम भी होते तो कहते कि 10 साल आपने अन्याय किया है। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदलकर वे केवल अपने एजेंट को जनता पर थोपना चाहते हैं। सभा को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने पीएम मोदी को रावण की तरह काम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर सच्ची आस्था हो तो भगवान की मूर्तियां भी बोल पड़ती हैं। बात करते हैं भगवान से, अगर इतनी अच्छी आस्था हो, धर्म के प्रति निष्ठा हो तो प्रधानमंत्री जी भगवान राम के सामने खड़े तो होइए। भगवान राम अगर उनसे बात करने लगे तो भगवान राम भी यही कहेंगे कि तुमने 10 साल अन्याय किया है, तुमने अपना राजधर्म नहीं निभाया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये एक रंग में है, इसे बांटना चाहते हो। रावण ने माँ सीता का हरण किया तो क्या हुआ, पूरी लंका को उन्होंने आग लगा दी। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कितनी माताएं न्याय मांग रही है, कितनी बेटियां बहनें न्याय मांग रही हैं। आप अपने आप को श्री राम का भक्त कहते हैं लेकिन आप में मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि रावण को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, वे कहते हैं कि दक्षिण भारत में उसकी पूजा होती है। वह रावण जिसने अपना राज चलाया और उसमें 10 कमियां थी, उसने माता सीता का हरण किया, इसके चलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम सब कुछ त्याग कर उससे लड़े। वहीं प्रधानमंत्री बिना कुछ त्याग के देश के गरीब मजदूरों के अधिकारों का हनन करके अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अलका लांबा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है, वे उनसे मिलकर कांग्रेस के न्याय पत्र को उन्हें समझाना और पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसे लेकर प्रधानमंत्री लोगों को बरगला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को संपत्ति देना चाहती है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, इतने सालों में तो किसी मुसलमान को कोई संपत्ति नहीं दी गई। इसी के साथ बने रहे ऐश्वर्या सिन्हा के साथ, धन्यवाद।